अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देख रहे हैं गोबर होटल हम आए हैं। तो हम इसके मालिक से भी पूछेंगे। अभी जो चाय डाल रहे हैं माशाल्लाह बहुत मशहूर है यहाँ के चाय। आप देख में बनाते हैं चाय, अगर आप गूगल भी करोगे तो गोबर होटल का चाय आपको मिल जाएगा इस मशहूरी की वजह से। तो हम हमारे साथ एक वेटर है यहाँ पर, पूछते फी कप कितने का भाई जान? सर 50 रुपये। सारा प्योर दूध है? दूध है। अच्छा इसका मालिक कौन है? फकीर मोहम्मद। अच्छा ये कह रहे हैं कि इसका मालिक फकीर मोहम्मद है और यहाँ के चाय माशाल्लाह बहुत मशहूर है। और देखो आप उसका अंदाज और ये देखची में बनाते हैं और ये सिंपल सा होटल है और बहुत पुराने ज़माने का लग रहा है ऐसा, लेकिन मशहूरी की वजह से लोग काफ़ी दूर दूर इलाकों से आते हैं। और यहाँ और भी हम अभी इस वक्त 4 बजे है तो रशकश नहीं है इतना, लेकिन अली असम भाई इधर बैठा है इसकी वजह से हम आए। 3 दिन पहले आए थे तो यहाँ रशकश बंद थी होटल, तो बाहर का आपको व्यू करवाएंगे कि यहाँ पर कैसा माहौल है। यहाँ ऐसा सीन है कि आप देख रहे हो यहाँ जो सीनरी है, गोबर होटल नाम ही ऐसा है, यहाँ गोबर भी है। और ये सिस्टम आप देख रहे हो, यहाँ रशकश बहुत होता है सेकंड टाइम, लेकिन यहाँ जो इसका मैं आपको दिखाऊंगा इस होटल का, ये बहुत मशहूर होटल है। ये इसका जो वेटर है एक कप पे ले जा रहा है, तो ये फी का 50 रुपये। इंसान टेस्ट भी हम करवाएंगे। तो अली असम भाई आप आ जाओ इधर, उससे बातें करेंगे। अली असम भाई आप गोबर होटल की मशहूरी, आपने कहा कि बहुत मशहूर है यहाँ के, आप इसके चाय के बारे में क्या कहोगे? यार ये चाय तो बहुत अच्छा है, मच स्पीड बिल्कुल प्योर है। अच्छा नंबर वन होटल है। अच्छा कोई मजाक नहीं है, एक बार आप ट्राई करें आप खुद ही कहेंगे कि नंबर वन क्यों। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली असम भाई। और ये चाय हम बहुत दूर से आए हैं इस चाय को पीने के लिए, लेकिन ये और यहाँ मुख्तलिफ लोग आते हैं। अच्छा माहौल है, बस एक बार जिंदगी में जरूर इसको ट्राई करना चाहिए। अच्छा जी तो दोस्तों ये गोबर होटल और यहाँ का सीनरी आप देख रहे हो, बहुत सिंपल सा होटल है और यहाँ बहुत रशकश होता है नाइट टाइम और प्यारा माहौल है यहाँ पर। प्यारा माहौल है, सिंपल सा माहौल है। तो दोस्तों ये गोबर होटल है और यहाँ का माहौल आप खुद देख रहे हो, या गोबर भी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, टाइम पासी भी करते हैं। और यहाँ जो माहौल है बहुत ज़बरदस्त, इसका व्यू है। और ये सिंपल है, अभी चाय हमारे लिए जा रहे हैं, ये जो चाय आते हैं ये दादा कप है सब। तो ये जो चाय आप देख रहे हो बहुत प्यारा व्यू है, कुछ करेंगे बताएंगे आपको कैसा है। हाँ लिए सम भाई ये चाय हम टेस्ट करेंगे कैसा है। बाकी बहुत इलायची बहुत आज कड़क इलायची डाला है। हाँ तो दोस्तों ये चाय हम गोबर होटल के पी रहे हैं, तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। बहुत ज़बरदस्त, अगर आपको कोयटे में चाय पीनी है तो गोबर होटल की चाय ज़रूर पी लें, क्योंकि यहाँ जो चाय है बहुत जायकेदार और मज़ेदार। और यहाँ की जो इन्वायरमेंट और यहाँ की जो सराउंड एरिया में लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं बाहर से, मतलब शहरों से भी आते हैं कोयटे के लोग। यहाँ इस वक्त रशकश कम है, लेकिन बहरहाल अभी भी रशकश है। हमारे साथ दोस्त अली असम भाई। अली असम भाई क्या कहोगे गोबर होटल के बारे में? यार बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पर एक बार आप इसकी चाय टेस्ट कर लो। अच्छा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फुल प्योर है, बाकी बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा जी इसका जो Bana bir test edeyim.
ना।